नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर पॉइंट, जिसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये आपके लिए नया नहीं है। जूनियर सेक्शन में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी देख रखा है। और क्या होता है कि दो पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। पर मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है, चलिए उसको देख लिया जाए। कि ये दो पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी एक्स टू कॉमा वाई टू, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और मान लो कि ये ए वन है, और बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी टू। और अगर अब हम आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ए ए वन डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, ये वाई वन होगा। ये बी बी वन डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाई टू होगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, मींस ये एक्स वन होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस दिस विल बी, ये होगा एक्स टू, है ना। और अगर हम यहां से एक ए बी सी करके हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, देन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन इसमें बी सी और ए सी कितना है, तो आप कहेंगे कि सर BC, चूंकि ये टोटल Y2 था और ये Y1 था, इसलिए BC कितना होगा, Y2 माइनस Y1। अच्छा, ये टोटल X2 था, है ना, और ये कितना है, X1 है, तो ये क्या होगा, ये होगा X2 माइनस X1। अब यहां से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी डिस्टेंस इज, सो ए बी डिस्टेंस इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस y1 होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आप कहेंगे सर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, अगर अगर ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमारा जो ए बी है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो फिर क्या होगा सर, तो फिर क्या होगा। आप कहेंगे कि सर पॉइंट ए का, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई वन है, और पॉइंट बी का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और ये वाई टू है। चूंकि लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है, इसलिए दोनों डिस्टेंस क्या होगा, दोनों डिस्टेंस सर इक्वल होगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं ना, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं, तो फिर किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, किसी दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, क्योंकि उन पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो चूंकि y1 और y2 इक्वल होगा, तो ये वाला पार्ट जीरो आएगा। सो ए बी इज इक्वल टू, सो ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस जीरो। तो यहां से ए बी क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, और चूंकि डिस्टेंस है इसलिए हम क्या करते हैं, मोड ले लेते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये डिस्टेंस होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करोगे, तो किन्हीं दो पॉइंट का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पर क्या, वाई कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना होगा ना। अच्छा, अगर अगर ये लाइन सेगमेंट, ये जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो क्या होगा सर, तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, x2 है, और चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए x1 x2 के इक्वल होगा, x1 x2 के इक्वल होगा। मींस अगर हम y एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं ना, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं, तो फिर किसी भी दो पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम मूव करते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, एक्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एक्स कांस्टेंट। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा सर, चूंकि चूंकि एक्स वन और एक्स टू इक्वल है, इसलिए इस बार ये वाला पार्ट जीरो होगा। तो जो हमारा ए बी आएगा, दिस विल बी अंडर रूट जीरो प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ए बी क्या होगा, मॉड ऑफ वाई टू माइनस y1। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है आपको समझ आ रहा है, अगर हम
एक्स के पैरेलल मूव करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा। अगर हम वाई के पैरेलल मूव करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। तो चलिए इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट -3.4 ऑन बोथ द एक्सिस। -3.4 से अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि -3.4 जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये -3.4 को हमारा जो पॉइंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इससे क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, और इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। लेट सपोज कि जो P से X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इसका नाम A है और जो Y पर किया गया इसका नाम B है। तो दो तरीका है, एक तो बेसिक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे सर, ये डिस्टेंस कितना होगा, X एक्सिस से डिस्टेंस Y कोऑर्डिनेट के इक्वल, X एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल, Y कोऑर्डिनेट के इक्वल। अच्छा, Y एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल, X कोऑर्डिनेट, एक मॉड लेना होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना इनके बीच, ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, अंडर रूट 4² + 3² है ना, 5 आएगा। लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख रहे हैं इसलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको निकालेंगे। कैसे, ए का पहले आप बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम किसके पैरेलल मूव किए, किसके पैरेलल, P से A तक आने के लिए हम Y के पैरेलल मूव कर रहे हैं, इसलिए X क्या कांस्टेंट होगा, X कांस्टेंट होगा। मतलब A पॉइंट का भी X कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3 होगा, और चूंकि ये A पॉइंट X एक्सिस पर है इसलिए Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली हम P से B तक जाने के लिए किसके पैरेलल मूव कर रहे हैं, X के पैरेलल, तो हमारा क्या कांस्टेंट होगा, Y कांस्टेंट होगा, और चूंकि ये पॉइंट Y एक्सिस पर है इसलिए इसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, AB डिस्टेंस, AB डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर + y2 4 - 0 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √3² + 4² कितना आ जाएगा, ये 5 होगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से भी आ रहा था, है ना। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x -1 and 3.2 इज 5। किसके किसके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है, x -1 and 3.2 इज 5, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है। क्या करेंगे सर, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर 3 - x होल स्क्वायर + y2 - y1 2 - -+1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बोला है जी, डिस्टेंस 5 बोला है, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो आप दोनों तरफ, तो ये होगा 3 - x होल स्क्वायर + 2 + 1 2 + 1 3 3 होल स्क्वायर 9। ये 25, दिस इज इक्वल टू 9 + x² - 6x + 9। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहां से क्वाड्रेटिक बन रहा है, x का वैल्यू क्या होगा, x² - 6x, है ना, और 25 और ये 18, -25 + 18 कितना होगा, -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + x - 7x - 7 दिस इज इक्वल टू 0। आप x कॉमन लो तो x + 1 - 7 कॉमन लो, x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर x + 1 and x - 7, तो यहां से जो x के वैल्यू आ रहे हैं -1 and 7, x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 and 7, तो ये हमारा आंसर होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड पॉइंट एंड y एक्सिस। इस बार जो पॉइंट का डिमांड है वो कहां पर है, y एक्सिस के ऊपर है। पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3.2 and -1.3। एक पॉइंट है, कहां पर है सर, इस बार y एक्सिस पर है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होता है, 0, β, 0, β, और बोला है कि इस पॉइंट का किस किस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, 3.2 3.2
टू एंड एंड माइनस वन कॉमा थ्री, ये मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों ही पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है, देन क्या अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, सेम यही क्वेश्चन तो है, सेम यही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, एपी सिन डिस्टेंस इक्वल दिया, एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर, क्या होगा, क्या होगा बोलिए, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बोलिए आगे, आगे क्या होगा, जीरो माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस थ्री होल स्क्वायर, है ना, तो यहां से आ रहा है नाइन, नाइन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर बीटा, दिस इज इक्वल टू वन स्क्वायर, वन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स बीटा, बीटा स्क्वायर कैंसिल, नाइन एंड नाइन भी कैंसिल, है ना, क्या बच रहा है जी, ये इधर आएगा तो टू बीटा और ये इधर जाएगा तो माइनस थ्री, सो बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, सो पॉइंट पी, पॉइंट पी विल बी जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई टू, इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर जो बेसिक क्वेश्चन थे ये आपको समझ आए होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का जो अप्लीकेशन है ना ट्रायंगल के नेचर फाइंड आउट करने में भी किया जाता है, और वो कैसे, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। यदि प्लेन में कोई तीन पॉइंट ए बी सी दिए गए हों जिनके वर्टिसेस हमें पता है, अब ये तीनों पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इसका क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन तो ये कि सर ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है, एंड अगर हम डिफरेंस करते हैं, अगर हम डिफरेंस करेंगे ए बी माइनस बी सी, तो फिर ये क्या होगा, ये जो होगा ए सी से, ये ए सी से छोटा होगा, ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम जो होता है सर ये तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है ये तीसरे साइड से छोटा होता है, तभी जाकर के ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज कुछ और होगा, है ना, तो ये ध्यान रखना होगा। अब ट्रायंगल का जो नेचर होता है ना वो दो तरह से डिफाइन किया गया है, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल। ऑन द बिहाफ ऑफ साइड ट्रायंगल का नेचर कितने तरह के, तीन तरह के, कौन कौन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल, है ना, और अगर तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम तीनों साइड लेंथ निकाल सकते हैं, और जब तीनों साइड लेंथ निकल जाएगा तो ऑन द बिहाफ ऑफ साइड ट्रायंगल का हम नेचर पता कर सकते हैं, वो कैसे, कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड लेंथ इक्वल होगा, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो कोई दो साइड लेंथ इक्वल होगा, और ट्रायंगल अगर स्केलिन है तो कोई भी साइड लेंथ इक्वल नहीं आएगा। बट अगर ट्रायंगल का नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल पूछा जाए तो कितने तरह के होते हैं, पहले तो यह पता किया जाए, ट्रायंगल ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल, एंगल के बिहाफ पर ट्रायंगल तीन तरह के, कौन कौन, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना, ये तीन तरह के होते हैं। अब साइड लेंथ हम निकाल सकते हैं, साइड लेंथ अगर निकाल लेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो आप कहेंगे सर राइट एंगल तो पता कर सकते हैं, कैसे कि ए बी स्क्वायर किसी दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो ट्रायंगल राइट एंगल होगा, और वो भी किस पर, एंगल बी पर, है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, इसलिए ऐसा एक ही पेयर के लिए बनेगा, फॉर ओनली वन पेयर, ये जो है दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये सिर्फ एक पेयर के लिए बनेगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो गया तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्लियर हो रहा है, ये राइट एंगल पता कर पाएंगे। लेकिन सर एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर दे दिया गया और नेचर पता करना है तो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोसाइन फॉर्मूला, मान लो हमें कॉस बी निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट कोई जनरल ट्रायंगल लेके चलते हैं, और अगर हमें कॉस बी निकालना है तो ये क्या होता था पता है, कॉस बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर,
अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अपॉन अपॉन टू ए बी इंटू टू ए बी इंटू बी सी, ये होता था हमारा कोसाइन फॉर्मूला, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ऑलरेडी देख रखा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी के लिए आप याद रखो कि कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, इनसे जिन साइड से मिलकर के ये एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर का सम, और अपोजिट साइड के स्क्वायर को माइनस करना है, और नीचे इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जिनसे ये बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए, चूंकि सर ये साइड लेंथ है, ये क्या है साइड लेंथ है, तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। अब कॉस थीटा मतलब कॉस बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, इसका पूरा का पूरा दारोमदार ये इस डिनोमिनेटर पर है, किस पर है न्यूमरेटर पर है, सॉरी ये किस पर है न्यूमरेटर पर है ना, कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर पॉजिटिव हुआ तो कॉस बी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हुआ तो कॉस बी नेगेटिव आएगा, और अगर ये जीरो हुआ तो कॉस बी जीरो आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपने ए सी स्क्वायर किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है ए सी स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब कॉस बी क्या आएगा कॉस बी जीरो होगा, और कॉस बी कॉस थीटा जीरो कब होता है जब थीटा 90 होता है, इसका मतलब इस केस में एंगल बी जो होगा ना वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर के लिए हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। अब आ जाओ एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, ये एक्यूट एंगल बन जाए, इसके लिए क्या कि कॉस थीटा पॉजिटिव हो, कॉस थीटा पॉजिटिव हो, 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा नेगेटिव, क्लियर हो रहा है ना। तो अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर को आप पॉजिटिव चाहते हो तो फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होना चाहिए ए सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ये कैसे क्या होना चाहिए ए सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, क्लियर हो रहा है ना। जब ए सी स्क्वायर से बड़ा आएगा तो हमारा जो एंगल बी होगा, एंगल में मतलब कॉस बी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब कॉस बी पॉजिटिव आएगा तो जो एंगल बी होगा वो एक्यूट होगा, मतलब जो कॉस बी होगा ये 90 से छोटा होगा, ये 90 से क्या होगा सर छोटा होगा, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है क्या। लेकिन सर सिर्फ कॉस बी के छोटा होने से ये ट्रायंगल एक्यूट नहीं बन जाएगा, तीनों पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल थ्री पेयर्स, फॉर ऑल थ्री पेयर्स ध्यान रखें, है ना, तीनों के तीनों एंगल जब एक्यूट होगा तभी ट्रायंगल एक्यूट एंगल कहलाता है, ये होना चाहिए। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से बड़ा हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर से बड़ा हो, और बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर से बड़ा हो, तब जाकर के तीनों एंगल एक्यूट होंगे और ट्रायंगल क्या क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अब हम चाहते हैं कि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस बने, ऑब्ट्यूस कब बनेगा जब राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव मतलब थीटा 90 से बड़ा, ऐसा तभी संभव है जब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज लेस देन ए सी स्क्वायर हो, तो हमारा जो एंगल बी होगा दिस इज ग्रेटर देन 90, दिस इज ग्रेटर देन 90। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल बी 90 से बड़ा हो गया तो क्या फिर कोई और एंगल 90 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा फिर से सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर के लिए होगा, फॉर ओनली वन पेयर, फॉर ओनली वन पेयर, ये ध्यान रखना होगा। तो आई होप कि आपको ट्रायंगल का नेचर समझ आया होगा कि ट्रायंगल का नेचर दो तरह से डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कौन कौन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, और वो हम निकाल सकते हैं साइड का लेंथ देख करके। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल पूछा जाए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमारा कुछ अप्रोच इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो चलिए इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्रायंगल का हम नेचर पता करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, ए 1.3, बी 2.0 एंड सी 0.0, है ना, और इसका क्या निकालना है, नेचर पता करना है, इस ट्रायंगल का नेचर पता करना है कि ये ट्रायंगल कैसा है। अच्छा, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड भी हम पता करेंगे एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल भी। अब ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, 1 स्क्वायर 1, और रूट 3 माइनस 0, 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होगा। ये निकालिए, ये निकालिए, ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा,
और ये निकाल के देखें, ये भी 2 आएगा। अरे सर तीनों साइड लेंथ इक्वल, अगर AB is equal to BC is equal to AC हो जाए तो फिर ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, क्लियर हो रहा है ना। हमें ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। तो इक्विलेटरल के साथ साथ हम एक्यूट लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल अगर आपने लिख दिया, बोल दिया, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल हो रहा है, ये हम आगे देखेंगे भी, इसका हम डेरिवेशन देंगे आपको। अभी आप एक बस स्टेटमेंट याद रखना जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, वो क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इस बात की 100% गारंटी है कि उसका एक वर्टेक्स कंफर्म, एक वर्टेक्स इरेशनल होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है सर, आप ये रूट है ना, रूट जहां भी दिखे उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। मतलब उसके वर्टेक्स में कहीं ना कहीं रूट दिखेगा ही दिखेगा, है ना। अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका एक वर्टेक्स, कम से कम एक वर्टेक्स इरेशनल होगा ही होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना होगा और ये हेल्प करता है, ये क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर उल्टा बोले कि वर्टेक्स इरेशनल है तो जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल होगा, जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल होगा। हाँ, चांसेस हैं इक्विलेटरल बनने की, ठीक है ना। तो यहां पर इरेशनल दिख रहा था, चांसेस थी कि इक्विलेटरल बन सकता है और बना भी, ठीक है ना। इक्विलेटरल होगा तो इरेशनल होगा, कंफर्म है। लेकिन इरेशनल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। सेकेंड, इस पर आते हैं, ए बी सी दिया हुआ है। चलो हम साइड लेंथ तो निकालेंगे ही, साइड लेंथ निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये चक्कर। उससे पहले हम कुछ देखते हैं कि ए और बी के कोऑर्डिनेट में हमें क्या कांस्टेंट नजर आ रहा है, वाई कांस्टेंट नजर आ रहा है। अब देखो, अगर किसी दो पॉइंट में अगर वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाए, वाई कांस्टेंट किसके पैरेलल, वो लाइन सेगमेंट, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट एक्स के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर हो रहा है क्या। और आप BC में देखो ध्यान से, BC में क्या कांस्टेंट, BC में सर X कांस्टेंट, तो BC क्या हो जाएगा, ये Y के पैरेलल हो जाएगा। A था हमारा 1.2, B था 3.2 एंड C इज 3.4। यहां पर Y कांस्टेंट, सो X के पैरेलल, यहां पर X कांस्टेंट किसके पैरेलल, Y के पैरेलल। तो ये सर राइट एंगल ट्रायंगल है। और आप देखो ध्यान से, चूंकि x के पैरेलल है तो सिर्फ x2 माइनस x1 करेंगे तो ये 2 आएगा, ये y के पैरेलल है तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 आएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसमें आप देखो अगर हम इस प्रकार से कुछ करें तो a और b में हमें क्या कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है, y कॉन्स्टेंट, ab किसके पैरेलल, x के पैरेलल। b और c में क्या कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है, सर इसमें भी y कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो ये a b c तीनों पॉइंट होंगे, ये किसके एक लाइन पर लाई करेंगी, ये तीनों पॉइंट क्या होंगी कोलिनियर होंगी। क्लियर हो रहा है क्या। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करने लग जाए, अगर दो से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पर लाई करने लग जाए तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। और आप देखो ध्यान से, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 6 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल करके देखो, आप ए और सी के बीच का, तो ये 8 आ रहा है, ये आप देखिए इसके बीच का 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से ये भी नजर आ रहा है कि ए बी जो कि 6 है और बी सी कितना है 2 है, वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके तीन पॉइंट्स को कोलिनियर भी प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट्स क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। और अगर दो का सम तीसरे से बड़ा हो जाए तो फिर वो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं।